नमस्कार किसान भाइयों, आज देखते हैं स्वराज 735 का जोर कितना दम है इस ट्रैक्टर के अंदर। और ये 2MB प्लाव के साथ में चल रहा है और ये प्लाव को नीचे को कम लगा रहे हैं वैसे तो, पर मट्टी सही फेंक रहा प्लाव। ये ना मान रहा इसे कुछ भी। अभी इसके ओनर से बात करते हैं कि ये प्लाव कैसा है और इसका क्या फ़ायदा है और ट्रैक्टर इस पर कितना तेल पी के चलता है, मतलब इस पर तेल का कितना खर्चा है लगभग। ट्रैक्टर गहराई चौकी लेके चल रहा है ट्रैक्टर का। देखो दोस्तों, ये जो है 1.5 फुट के लगभग ज़मीन में गहराई तक मिट्टी पलटता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यूँ बताया इन्होंने कि ईंट के खेत में घास नहीं होती की है। और एक बार बात करेंगे जो ट्रैक्टर के चलाने वाले हैं इनसे कि ये इस प्लाव को क्यों चला रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा और इसका क्या नुकसान है। इसमें तो कंप्यूटर के बिना तार लगे नहीं, देखो मेरे हिसाब से। अरे बुझुआ इनसे मैं कि ये कैसा ट्रैक्टर है। तो आओ जी किसान भाइयों, देखते हैं, जानकारी लेते हैं इनसे कि ये जो प्लाव है ये कौन सी कंपनी का है। ये प्लाव काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर के जो टायर हैं 12/4/28 के हैं। तो हाँ जी, जैसे आप इस ट्रैक्टर को चला रहे हो 735 को और इसमें आप प्लाव चला रहे हो खेत में, कोई फ़ायदा है इसका या वैसे ही चला रहे हो अंगाइयों में ही? बढ़िया चल रहा सही है। नहीं, इसका कोई फायदा भी है प्लाव का कुछ नहीं? और फायदा भी ना, क्या फायदा है इसका आप बताओ। किसान भाई पूछ रहे हैं आपसे, तो जैसे आप इस खेत में इतना तेल फूक रहे हो 6-7 लीटर घंटे का, कितना लीटर खा जा? फायदा ये जो रूटर ने खेत बेकार कर रखे उनके लिए प्लाव बढ़िया। किन्होंने? जो रूटर ने खेत बेकार कर रखे, रूटर ने जो खेत खराब कर रखे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया। अच्छा, आप इसमें गन्ना लगाओगे, आलू वालू कैसे, क्या सिस्टम? गन्ने में क्या फ़ायदा हुआ है इसका असलियत में? खेत में फुलावट आएगी, फुलावट आएगी ज़मीन में। तो इसमें कंप्यूटर लगवाना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो, पूरे खेत में कंप्यूटर भी लगेगा, खेत तैयार भी होएगा, काम सारे होंगे। तो ये जो 735 ट्रैक्टर है आपका, ये कितना तेल खावे है एक घंटे में इस प्लाव पे? प्लाव का खा रहा होगा 5-5.5। जोर से बोल लो, आवाज़ नहीं आ रही। 5.5 लीटर। 5.5 लीटर। हाँ जी, जैसे इस खेत में ईख बोएगी तो क्या स्थिति है इसका, कोई फायदा है प्लाव का नहीं? हाँ जी, फायदा है। क्या फायदा बताओ? इसका तो बहुत से फायदे हैं, मट्टी पलट गई है, मट्टी पलट, घास फूस नहीं होने की है। चलो देखो किसान भाइयों, इसे प्लाव को चलाओ और घास से छुट्टी पाओ, भैंसे वैसे बेच दो अपने खेत में, कोई ज़रूरत नहीं घास होने की नहीं। तो अभी इसे दोबारा से चला के दिखाएंगे। धन्यवाद।